देश और दुनिया में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई शख्स ऑनलाइन स्कैम का शिकार होता है। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरकार हर स्तर से कोशिश कर रही है। जिन लोगों का पैसा ऑनलाइन फ्रॉड में डूबता है, उनके लिए सरकार एक नया प्लान तैयार कर रही है। ऐसे लोगों को उनका पैसा वापस दिलाने की योजना बनाने पर काम चल रहा है। सरकार बैंकों के साथ मिलकर नई गाइडलाइंस तैयार करेगी। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के लिए फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले सुलझाना आसान हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन स्कैम से पीड़ित लोगों को वापस पैसा दिलाने के लिए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जल्द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP की जानकारी दे सकते हैं। इस मामले पर हाल ही में फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिव्यू मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट यानी DFS के सेक्रेटरी और बैंकों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने हिस्सा लिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते साल अकाउंट से लेन देन करते हुए बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के मामले सामने आए थे। ऑनलाइन ठगी में पैसा गंवाने वाले लोगों के लिए फिलहाल राहत का ठोस समाधान नहीं है। ऐसे मामलों के लिए बैंकिंग सेक्टर में कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP भी नहीं है। सरकार और बैंकों के प्रयास के साथ SOP को डेवलप किया जाएगा, जिसके बाद पीड़ित लोगों को उनका पैसा वापस पाने में आसानी हो जाएगी। अगर UPI से गलत जगह पैसा ट्रांसफर हो गया है या UPI फ्रॉड हुआ है तो तुरंत UPI प्लेटफॉर्म यानी फोन पे, पेटीएम, गूगल पे आदि को इसकी सूचना दें। ट्रांजैक्शन पर आपत्ति दर्ज कराएं और रिफंड की रिक्वेस्ट करें। इसके अलावा आप नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI की वेबसाइट पर जाकर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।